गुड़ागाइन। गुड़गांव। वो कितने कितने लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट होके आपको गुड़गांव बुला देते हैं? अरे बहुत सारे नेम है मेरे, गुड़गांव, गुरगैन, कुछ भी बोल दे। किसी किसी को लगता है कि मैं गुड़गांव से हूँ, गुरगैन सुनने के बाद। नहीं, लोगों को ये भी लगता है मैं गोरे गांव से हूँ, अंधेरी के बाजू में, पर ऐसा नहीं है, मैं कनाडा से हूँ। वैसे मेरे को आपसे बोलना था कि यार, एक शादी में जाना हो और एक प्लेट खाना खाना हो, उसके लिए इतना एफर्ट मार के भूत बनना क्यों जरूरी है गाने में? क्या क्या क्या, एक शादी में जाना? एक शादी में जाना और एक प्लेट खाना खाने के लिए आपने इतना एफर्ट मारा, आप भूत भूत बन गए। इतना एफर्ट करने की जरूरत? रिक्की ऐसे छोले भटूरे खिला देता आपको। तो गाने के बारे में आपको क्या क्या सुनने मिला है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्ट, मतलब मैंने बहुत अच्छा एक्ट किया है। काफी लोगों ने, मतलब जिनको प्रॉब्लम थी ना कि नहीं कर सकती, उनको भी ऐसा है कि काफी अच्छा एक्ट किया है, सॉन्ग बहुत अच्छा है, काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, वैसे आपको ऐसे भूत की स्टोरीज वगैरह में आप बिलीव करते हो कि तेरी रूह गाने में आप जो बने हो? मेरे को ट्रस्ट नहीं है इतना। तेरी रूह हाँ में बहुत प्यारा सा था ना, मैं भूत से डरती हूँ, वो डरावना भूत हाँ नहीं था, प्यार वाला था, तो अच्छा था। अच्छा हाँ, वो तो प्यार वाला है, लेकिन क्या है कि उधर जाते हो आप, वो शक्ति अरोड़ा को याद आते हो, फिर वो आपके बारे में सोचते हैं, मंगनी की अंगूठी पहनाते वक्त भी आपके बारे में सोच रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा लफड़ा है आपको। अगर ऐसे मैं अकेला रहता हूँ भूत बन के ऐसे घूमना हो, तो ये घर में आप ऐसे आके ऐसे घूम सकते हो, कोई स्ट्रेस नहीं है। दोनों के बीच हाँ, बहुत प्यार था। वैसे आपको कभी ऐसे जोर से प्यार हुआ है कभी? जोर से प्यार कैसे होता है? जोर से प्यार जोर से होता है ना बिल्कुल, कि मतलब बस वही दिखाई देता है, वही सुनाई देता है, वही दुनिया बन जाता नहीं, ऐसा अंधे वाला प्यार नहीं होता, इसे बोलते हैं अंधा प्यार, जो कुछ है। समझ हाँ नहीं आता, दिखाई नहीं देता, उसके अलावा नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ अभी? आप हो भी तो 14 इयर्स के ही। 40? 20 है वो मैं। हाँ, देखो ऐसे में एज निकलवा लेता हूँ लड़कियों की। ठीक है, ज्यादा भी हाँ, नहीं है ना, इसलिए बता दिया, ज्यादा होती तो नहीं बताती। हैप्पी विमेन्स डे बाय द वे आपको। आपका सारी विमेन जो इस वक्त आपको देख रही हैं, सारी गर्ल्स हु लुक अप टू यू, आपको उनका क्या संदेश है विमेन्स डे पर? मेरा ऐसा कहना है, मैं पर्सनली बताती हूँ, काफी लोग सोचते हैं कि लड़की लड़कों से मतलब कम है, तो मुझे लगता है कि लड़की में बहुत पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, मतलब बस चाहो कि कुछ करना है एंड स्ट्रगल करते रहो। बस दिल से बोलना चाहती हूँ कि कभी हार मत मानना लड़कियों को। हाँ, नाइस, हार मत मानना। अच्छा, ऑन अ पर्सनल नोट, आप यू नो यू वर सो ह्यूज ऑन टिकटॉक, और अभी आई एम श्योर आप बहुत रील्स बनाते होंगे, बट डू यू मिस दैट टाइम ऑफ बीइंग ऑन टिकटॉक? बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, अभी तो मेरा मन नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि टिकटॉक का अलग ही क्रेज था। जैसे अच्छा टिकटॉक आया और मैं उसमें आई, तो मेरे को एकदम नशा हो गया था, जैसे लोगों को होता है दारू का नशा, किसी का नशा, मेरे को टिकटॉक का था, अभी भी हाँ, बहुत याद आता है मेरे तो कितना घंटा आप टाइम देते थे उसको? पूरे दिन में कितनी बार वीडियो सोचते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, क्या को। करते मैं थे? डेली में 20 to 25 वीडियोस बनाती थी, और उसमें से 8 सिलेक्ट करती थी, 8 उसमें से भी मैं सोचती थी कितने डालू, फिर 5 डालती थी, फिक्स था मेरा, और डेली करती थी मैं, 1 बजे से 5 बजे के बीच ही, मतलब बाप रे, ओ बाप रे, इतनी तो मैंने पढ़ाई नहीं की है जितना आप ऐसे टिकटॉक पे। बस मैंने तो टिकटॉक की बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली थी, बहुत अच्छा, काफी तो मजा अभी आता था। आपके आगे के प्लान्स क्या है? क्योंकि क्या, कोविड के बाद लाइफ बहुत बदल गई है, तो शूट वूट कैसे किया आपने इस गाने के लिए, थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली ये सॉन्ग का ना मेरे को बहुत पहले से क्रेज था, क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग थे मेरे पास, तो मैंने आई थिंक ये 6 मंथ बाद किया है, तो मुझे ये करना था, पर्सनली मेरा मन था और मुझे बहुत पसंद आया था, तो शूट का एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी बात मुझे शक्ति अरोड़ा है साथ में, तो वो अलग ही फील आ रहा था गाने में बहुत। और शूट में ना काफी अलग अलग सॉन्ग किए हैं मैंने, लेकिन ये सॉन्ग में बहुत अलग फीलिंग थी, क्योंकि सब लोग, अभी तोशी सर है उनका सॉन्ग था, तो और अच्छे से करने का मन था, और शक्ति सर है तो वो बहुत सिखा रहे थे मुझे, काफी अच्छे हैं वो, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा पूरे शूट में। अच्छा मेरे को बताओ, अगर आपको भूत बन के किसी को हॉन्ट करना हो तो आप किसको करोगे? किसी को नहीं करूंगी, मेरे को खुद डर लगता है।
नहीं, कोई तो होगा, किसी ने ऐसे स्कूल में पेंसिल चुरा के वापस नहीं दी होगी, किसी ने ढोकला वापस खाना मांगा होगा, ढोकला नहीं दिया होगा, ऐसा कोई तो होगा। कोई नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता भी है ना तो मैं उसी वक्त खत्म कर देती हूँ। कोई ऐसा दुश्मन नहीं है कि पर्सनली उसको कुछ निकालना हो मेरे को भड़ास, उससे तो नहीं है ऐसा कुछ। आप कितने क्यूट हो, मैंने आपके बारे में एक रूमर सुना है, लेकिन क्या रूमर ये है कि आप गा भी लेते हो थोड़ा बहुत। नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है, मैं नहीं गाती, सॉरी। अरे बाथरूम सिंगर हर कोई होता है, तेरी रूह को प्रमोट करने के लिए थोड़ा गा लेना चाहिए, बहुत प्रमोट हो जाएगा, देखना। मुझे नहीं आता, सॉरी। इनसे दो लाइन कसम से नहीं आता। अरे मेरी आवाज बहुत ही नहीं, वो जो सुन रहे हैं ना वो भी भाग जाएंगे। आपने पर्टिकुलर रोल किया है, आपने ये किया, शूट वूट किया है, शक्ति अरोड़ा के साथ काम करने में कैसा मजा आया? बहुत अच्छा लगा, अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने टिकटॉक के काफी फ्रेंड्स हैं मेरे, बहुत लोगों के साथ किया है मैंने वर्क, वीडियोस बनाई है, लेकिन जो शक्ति अरोड़ा है ना वो मतलब बहुत हेल्प कर रहे थे एक्ट में। कई लोग होते हैं ना अपना एक्ट करके साइड हो जाते हैं, नहीं निशा का भी रोल ये गलत है दोबारा करवाओ, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, क्यों सीखने को मिल रहा था मुझे सर से। वो तो मुझे बोल रहे थे उन्होंने आपसे सीखा है क्योंकि आप एकदम प्रोफेशनल थे पहले दिन पे ही। नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ज्यादा नहीं था, सिर्फ उनको रील्स वगैरह नहीं पता कि कैसे बनाते हैं, मैंने उनके साथ रील्स बनाई थी तो मैंने वो सिखाया और उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई उसमें। ओह ये अच्छा है, तो रिक्की आपको क्या रैप करना सिखाया और आप रिक्की को रील्स बनाना सिखाओगे, ऐसा करेंगे? अच्छा अभी जो सरप्राइज, सॉरी यू वर सेइंग। नहीं नहीं मैं एक्चुअली क्या है सर को टीवी वगैरह करते हैं तो उनको एक्टिंग की ज्यादा नॉलेज है, मैं सोशल मीडिया पे हूँ मुझे रील्स की ज्यादा नॉलेज है, तो दोनों ने अच्छा अकाउंट बना लिया दोनों के बीच उनका, हम दोनों ने। अच्छा मैं क्या बोल रहा था आपको, सबको भी जो सरप्राइज देना बाकी है वो दे दें कि अगला गाना हम साथ में कर रहे हैं और हम दोनों भूत बन रहे हैं। कब कर रहे हैं मुझे नहीं पता। नहीं वो कर देते हैं, मैं ही प्रोड्यूस कर दूंगा। हाँ जरूर करेंगे, तो रिकी आपके साथ करेगा और विमेंस डे के बारे में आपसे बात कर ली, आपके गाने के बारे में बात कर ली। मुझे ये पूछना था कि लॉकडाउन में अनलॉक में आपने कौन सी घर का काम सीख लिया है, कौन सी चीजें बनाना सीख ली है, कौन सी इंस्टा पे डाली है, क्या नया स्किल एक्वायर कर लिया है? मैंने पास्ता बनाना सीखा था और मैंने डाला भी था वो, आई थिंक। हाँ पास्ता ही आता है और मुझे चिकन आता है, चिकन मसाला, वो भी मैंने लॉकडाउन में ही सीखा काफी अच्छे से, कोई नहीं आता था ना बनाने तो मैंने बोला चलो मैं एक एक ही आइटम खा सकता हूँ, मैं कीटो पे हूँ तो मैं जरा वो मसाले वाला खा लूंगा, और आपके लिए छोले भटूरे बनाना मैंने सीखा है, तो हम दोनों चटाइयां लेके आएंगे, गार्डन में पार्टी करेंगे। ओके तो ऑल द बेस्ट विथ योर अपकमिंग, कुछ आपका कुछ अपकमिंग है जो यहाँ पर आप बताना चाहेंगे? अभी तो नहीं बताना चाहूंगा, अभी एक गाना आने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, बस ही बता देती हूँ। अच्छा तो दो चीजें रिक्की आपको सिखाएगा, डिजिटल पैरी पहुंचना, जब आप ऑनलाइन पैरीपोना करते हो ना तो हाथ ऐसे करते हो, डिजिटल पैरीपोना, एक बार आप भी कर लो मेरे साथ डिजिटल पैरीपोना, और ये थोड़ा स्वैग सिखाएगा रिकी, पुश टू, पुश टू, या आई लाइक दैट। और थोड़ा सा क्योंकि रेड एफएम पर आप एक बार रेड एफएम बजाते रहो बोल दो, क्योंकि मतलब आपके सारे फैंस वो सुनना चाहते हैं। मैं करके दिखाता हूँ फिर आप करना। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बजाते रहो। देखा गाना आता है, मुझे झूठ बोल रही थी, मेरी आवाज खराब है। बहुत बढ़िया निशा, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, एंड आई हैव नाउ फाइनली लर्न योर टफ सरनेम, बट आई हैव आल्सो लर्न सम ग्रेट थिंग्स अबाउट यू, एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैप्पी विमेंस डे अगेन, एंड आई होप तेरी रूह के लिए क्या टारगेट रखे, 400 मिलियन क्या यूट्यूब पे क्या टारगेट रखे? 100 मिलियन हो जाए बहुत है। आज बहुत है, हो जाएगा। रिक्की ने बजा दिया तो 100% सुपर हिट। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट, और अगले गाने के लिए वापस मिलते हैं। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय बाय।